नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आइए हम आपको ले चलते हैं बालिया ग्लोबल एकेडमी, जहां पर इनर व्हील क्लब की महिलाओं और सदस्यों के द्वारा आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा मेक ऑफ इंडिया का वार्ता की जा रही है। छात्राओं के द्वारा हमारी प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के लिए क्या क्या कहा, क्या अच्छा क्या बुरा काम किया, उसके विषय में जानकारी कर रही हैं इनर व्हील क्लब की सदस्य। सबसे पहले माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्पण किए गए। माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्पण के बाद सरस्वती की वंदना की गई। वंदना के पश्चात हुआ सिलसिला शुरू। छात्र छात्राओं के द्वारा मेक ऑफ इंडिया पर बात की जा रही है। देखिए हमारी खास पेशकश सिटी हलचल न्यूज चैनल पर। उनकी आराधना उनकी पूजा से साथ शुरुआत करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारा यह कार्यक्रम भी जो हम प्रारंभ करें तो अक्षर विद्या ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती के सामने पुष्प अर्पित करके हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें। तो मैं रश्मि मैम और सभी हमारे आज के जो अतिथिगण हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो माँ सरस्वती को आप भी
हमारे जो हम सेवा के कार्य करते हैं जिसमें एक कार्य आज भी है स्वावलंबन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, इन चारों काम चीज़ों पर हमें काम करना है और कुछ ऐसा कार्य करना है कि जो समाज में जाए और लोगों को उसका लाभ मिले। तो आज ये एक बात दिमाग में आई कि बहुत सारी चीज़ें बच्चे अपने माता पिता से नहीं कर पाते, शर्माते हैं, डरते हैं, शिक्षकों से भी नहीं कर पाते, आपस में ही बात करते हैं, अरे यार तुम्हें तो ऐसे भारत में ये होता तो कितना अच्छा होता, अगर मोदी जी ऐसा करते तो बहुत ही अच्छा होता, हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं आता, गाँव के बच्चे हैं उनको ये परेशानी होती है। तो आप युवा हैं, आप 11th के 12th के 10th के बच्चे हैं, आपको अपना भविष्य दिखाई देने लगा, तो हमने सोचा क्यों ना आपके मन की बात कि आपको कैसा भारत चाहिए, आपको भारत में क्या और चाहिए, क्या सुधार चाहिए ताकि आप आगे जाकर विकास करें अपने देश के लिए, अपने परिवार के। तो आज वही बात है, मैं चाहूँगी कि आप अपने मन से अगर बताएं, पेपर से ना बताएं, अपने मन से बताएं कि हमें ये चाहिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सबका इसमें स्वागत। पिछले 5-6 साल से और मन की बात कही जा रही है भारत में और मन की बात को सुनी भी जा रही है, तो बहुत ही सही और बात कही मैंने कि आप अपने मन की बात करें, आप वो बात यहाँ पे करें जो भारत आप चाहते हैं। भारत विश्वगुरु था, सदियों पहले विश्वगुरु था, आज शायद नहीं है, लेकिन विश्वास करिएगा आने वाले समय में भारत फिर से विश्वगुरु होगा। पहले हम भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, विश्वास करिएगा अगर आप जाएंगे तो सोने की चिड़िया नहीं, भारत सोने का शेर बन जाएगा। क्या? सोने का शेर, और हमें भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाना, सोने का शेर बनाना, गोल्डन लायन। तो इन्हीं बातों के बाद मैं माही से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो पहले आपको बुलाएं। माही मैं यहाँ पर डिजिटल इंडिया पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। डिजिटल इंडिया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी जैसी हस्तियों द्वारा की गई। इस प्रोग्राम की शुरुआत भारत को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के उद्देश्य से की गई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी गाँवों को इंटरनेट से जोड़ा और हर जगह साइबर केबल्स की सुविधा प्राप्त कर सके। अंबानी ने तो जियो की शुरुआत करके जैसे इंटरनेट को फ्री ही कर दिया। डिजिटल इंडिया की वजह से बहुत से IIT इंजीनियर्स को रोजगार भी प्राप्त हुआ। अब मैं कक्षा 11 की छात्रा मदीना को यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आए और कुछ अपने दोस्तों को बेटा कि अगर हमारे भारत में ये होता तो और भी अच्छा होता है ना। हमें यही पूछना है सबसे कि आपको क्या चाहिए भारत में। मोदी जी या जो मंत्री हैं ये तो सब खड़े रहे हैं, वो तो कोई बात ही नहीं है। आपका क्या सपना है? आप क्या उन चीज़ों से सेटिस्फाई हो? या जो गांव के बच्चे हैं उन्हें क्या परेशानी है, क्या और होना चाहिए? मेन मकसद ये है। क्या सुन रहा है कक्षा 11 मुझे आज आप सभी के सामने डिजिटल इंडिया के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। डिजिटल इंडिया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 को जिसकी शुरुआत की थी। हम सब भी मुबारकबाद चाहते हैं इस प्रोग्राम से डिजिटल इंडिया के ऊपर हम अपने विचार प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। डिजिटल इंडिया से समय की बचत करना होती है, भ्रष्टाचार की भी बहुत कमी हुई है और सभी चीज़ें ऑनलाइन होने से सभी लोगों को लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने से छुटकारा मिला है और इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। बहुत सारे युवाओं
ही अच्छा प्रोग्राम है। अगर हम इसका इसके नुकसान पर जाएंगे तो हमें बहुत सारी हानि भी हो सकती है, तो हमें इस पर हमें इसका फायदा उठाना चाहिए पूरी तरह, इसके नुकसान पर ना जाकर। हम कुछ ऐसा बताएं जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक, जो हम असल में चाहते हैं कि वो हमें आगे जाकर बहुत ही मदद करे और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो, तो हम अपने कुछ विचार उस पर रखते हैं। इसीलिए हमें परिवार बनाना चाहिए, परिवार में डिस्कस कर सकते हैं। आप मिलकर करें इसका स्वागत, इंटरनेट से जुड़ रही है, फिर से भारत में सपने बन रही है, कैशलेस भारत की है यह शुरुआत, सब मिलकर दो इसका साथ, कागज और समय की होगी बचत, डिजिटल इंडिया ने की है सबकी मदद, डिजिटल इंडिया ने खोली है रोजगार की राह, इसके कारण वो सब मिला जिसकी भी हमने चाहिए, इंटरनेट की वजह से हुई सबको आसानी, डिजिटल इंडिया ने घर बैठे दूर की सबकी परेशानी, डिजिटल इंडिया ने पूरे भारत को इंटरनेट से जोड़ा, नकद लेन देन से नाता तोड़ कैशलेस की तरह वो मोड़ा है, अब लंबी लाइनों में खड़े होकर समय नहीं गवाना, डिजिटल इंडिया ने है सबका जीवन संवारा, देश को डिजिटल बनाएंगे जन जन तक इसकी सुविधा पहुंचाएंगे, डिजिटल इंडिया हमें जागरूक बनाता है, यह जिंदगी के हर पड़ाव पर सहायक कहलाता है। डिजिटल इंडिया ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं है, ये सपना है हिंदुस्तान के सबसे महान इंसान का, जिंसान को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कलाम साहब एक ऐसा इंसान जिसने अपनी बुद्धि से और अपनी लंबी दूरदर्शिता सोच से हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया, न्यूक्लियर की दुनिया में इतना बड़ा जोश लाने वाले वो पहले इंसान बने, इंडिया को पावर स्टेशन बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। डिजिटल इंडिया, हम सब डिजिटल इंडिया से बात समझते हैं कि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, हमारे डे टू डे लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हल हो जाएंगे, लेकिन क्या डिजिटल इंडिया सेम से ही है? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी The government of India launched a digital India campaign for providing government service electrically. This campaign aims at improving online infrastructure, increasing access to the